सो ये ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बाली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत ही सूदिंग और बहुत ही काम कंट्री है, काम सिटी है। सो बहुत ही मज़ा आया मुझे, बहुत ही मज़ा आया हम दोनों को, मुझे और दीक्षा को। सो इसी वजह से मैं ब्लॉग थोड़ा कम कर पाया, थोड़ा ज़्यादा कर पाया, बट जितना हो पाया, जितना पॉसिबल हो पाया उतना कर पाया, जो जो अच्छा कैप्चर कर पाया, सारे टाइम नहीं कर पाया। पता नहीं लोग कैसे पूरा दिन व्लॉग कर लेते हैं और उसके बाद सेम डे एडिट करके नेक्स्ट डे अपलोड कर देते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं मुंबई के निखिल को फॉलो करता हूँ, वो ऐसा ही करता है, बट मेरे से नहीं हो सकता वो चीज़, मैं कर नहीं सकता। एक दो बार ट्राई किया सिंगापुर में बट पॉसिबल नहीं हो पाया। सो बस इसीलिए व्लॉग थोड़ा कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे ही शूट हुआ। सो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं और आप लोग इन्जॉय करिए। So as we are traveling to a new destination, so it's time to say goodbye to Singapore and welcome back to the channel. This is Shashwat and let's get started. तो भाई अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट पे, चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि सुबह से बहुत भाग दौड़ हो रही थी और जब से ये ट्रिप स्टार्ट हुआ तब से नींद पूरी नहीं हुई है और रोज़ हम घूमना फिरना हो रहा है, बहुत बहुत लंबा लंबा घूमना फिरना हो रहा है। सिर्फ 4-5 घंटे 3 घंटे ऐसे सो रहे हैं, रोज़ सुबह उठ के नहाते सोते हैं, भागते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और भागते हैं, घूमते फिरते हैं। अभी फिर सुबह यही हुआ, रात को सिर्फ 4 घंटे सोए थे, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया और भागे दौड़े और अब जा रहे हैं बाली की तरफ। सो यस, वी आर गोइंग टू बाली एंड वी आर एट द चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो अभी मैं शूट कर रहा हूँ और मैं बहुत टायर्ड हूँ, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा हाफ भी रहा हूँ क्योंकि आई वॉज वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि मेरे वीडियो की जो अगली क्लिप है वो बस मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वो मेरी वीडियो का सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट पार्ट था। उसमें मैंने कुछ बोला नहीं, कैमरा इधर उधर कर रहा था, बट वो रिकॉर्ड इतना अच्छा हुआ जो भी आपको देखें, जो आप देखने वाले हैं। सो एज सून एज आई रीच बाली आई विल टॉक टू यू अगेन एंड शो समथिंग गुड इन बाली। सो सी यू सून। सो गाइस, हियर फाइनली वी आर इन बाली और वीडियो थोड़ा शेकी लग रहा होगा क्योंकि मैं ट्राइपॉड कैरी नहीं कर रहा हूँ, हाथ में पकड़ के ब्लॉग कर रहा हूँ फ़ोन को। और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, इंडियन रेस्टोरेंट देखा है। एक्चुअली में तो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट थे अभी यहाँ पे बट काफ़ी महंगे थे, एक थोड़ा रीजनेबल सा दिखा है तो वहीं जा रहे हैं, इंडियन पंजाबी ग्रिल करके, बिकॉज वो थोड़ा चीपर है। दूसरी बात, इंडियन इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि वेजिटेरियन मिल जाएगा। दीक्षा एज यू ऑल नो इज वेजिटेरियन एंड आई एम नॉन वेजिटेरियन, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दीक्षा को फ़र्क पड़ता है, तो ऐसी चीज़ में वाइफ तो हम लोग मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वो देख के हट भी रही है जब मैं लाइन मारी। सो सांस थोड़ी चढ़ रही है। नाउ आई एम गोइंग टू ईट सम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन इंडियन फूड, पहुँचते हैं, दिखाते हैं और खाते हैं। सो बाली में वेज फूड तो काफ़ी जगह मिलता है लेकिन उससे भी ज़्यादा मिलता है बीफ, पोर्क और पता नहीं क्या क्या जो मैंने वहाँ पे देखा शॉप्स पे। सो इसलिए बाली में मैंने भी नॉनवेज खाने के लिए प्रेफर नहीं करा क्योंकि वहाँ चिकन मटन बहुत कम मिलता है, पोर्क बीफ वगैरह ज़्यादा मिलता है। सो मैंने भी वेज वेजिटेरियन फूड की तरफ ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया और हमने वही खाया। और यहाँ पे हम इंडियन पंजाबी ग्रिल में जब खाना खाने पहुँचे तो उससे पहले हमने अराउंड 3 किलोमीटर वॉक किया और हमारी बैटरी पूरी डाउन हो चुकी थी और वहाँ गर्मी इतनी थी, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि हम पसीने में पूरे भर चुके थे, वी वर स्वेटिंग लाइक हेल। सो कैमरा साइड रखा, ऑर्डर किया, खाना खाया, फिर वहाँ से निकले और निकलने के बाद वहीं हम स्ट्रीट शॉपिंग करने लगे। सो हियर वी आर रोमिंग अराउंड इन बाली और ये छोटे छोटे जूते कितने अच्छे लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के लिए सॉफ्टनर्स वगैरह हैं, बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। ये देखो हमारी मैडम शॉपिंग कर रही हैं यहाँ पे और ये शॉपिंग करने में कभी चूकती नहीं है क्योंकि ये इनको अलग ही भूत सवार रहता है शॉपिंग का, जब भी देखो शॉपिंग। सो पीपल आर चेजिंग अस फॉर शॉपिंग बट जितना हमें करना है हम उतना ही करेंगे क्योंकि सिंगापुर से हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर चुके हैं, इसलिए अभी हम और शॉपिंग नहीं करेंगे। सो यहाँ हमारा बाली में फर्स्ट डे ख़त्म होता है, इसके बाद शॉपिंग करने के बाद हम वापस वॉक करके 3 किलोमीटर वॉक करके अपने रिजॉर्ट पहुँचे, वहाँ पे हमने जाके स्विमिंग पूल में थोड़ी मस्ती की, देन वी
वेंट इन आर रूम्स एंड देन वी क्रैश्ड आउट एंड स्लेप्ट लाइक अ बेबी, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे अपना प्लान, अपनी प्लान आइटनरी फॉलो करनी थी एंड आर ड्राइवर हैड टू कम टू पिक अस अप एट 10 o'clock. सो जल्दी से हम सोए, सुबह उठे एंड वी वेंट आउटसाइड फॉर आर ऑलरेडी प्लान आइटनरी. तो यहाँ पे पहले हम गए बरूंग डांस देखने के लिए, जो बाली का बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है. एक्चुअल में तो हमें इतना मजा नहीं आया, बट स्टिल वी ट्राइड एंजॉयिंग इट. और फिर हम वहां से निकले अपनी दूसरी अट्रैक्शन देखने के लिए. सो नाउ वी आर एट यूसी गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि ग्यानियार में है. ग्यानियार सिटी का नाम है यहीं पर. सो यहाँ पे यूसी गोल्ड एंड सिल्वर में क्या होता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी है, बन भी यहीं पर रहा है और यहीं पर ही बिक भी रहा है. यहाँ पे तो शोरूम भी है और फैक्ट्री भी है, इनकी दोनों चीज़ें हैं. अंदर शूट करना मना है फैक्ट्री में भी और जहाँ पे अंदर डिस्प्ले पे है, जहाँ से वी कैन परचेज. तो और लेकिन है बहुत ज़्यादा कॉस्टली और अंदर शूट करने के लिए मना है, इसलिए मैं शूट अंदर बिल्कुल भी नहीं कर पाया. बाहर आके थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ और बस यही सब है यहाँ पे. अभी यहाँ से निकलेंगे और कहीं और की तरफ बढ़ेंगे. सो हेयर वी आर एट अ हैंडीक्राफ्ट सेंटर और यहाँ पे हमें बहुत बार 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 ऐसे किसी हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स पे लाया जा रहा है. 2-3 बार आ गए हैं और ये लड़की है ना, जो बार बार मेरा खर्चा करा रही है, बट इस बारी पे मैं इसको खर्चा नहीं करने दिया. पिछली वाले पे तो इसने मेरे से 3-4 बैग्स खरीदवा लिए सब, मतलब काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन इस पे मैंने इसको खर्चा नहीं करने दिया. सो अभी हमने फिर गाड़ी बुलाई ताकि जल्दी हम यहाँ से निकल जाएँ. सो हेयर वी आर इन अलोहा उबुद एंड यहाँ पे जो बाली स्विंग है वो सबसे ज़्यादा फेमस है बाली में, जो आप लोगों ने कभी सुना होगा. मैं तो शायद मैंने देखा था पहले वीडियोज वगैरह में, बट मैंने कभी सुना नहीं था. सो हेयर वी आर एट द बाली स्विंग, जिसका नाम है अलोहा उबुद करके जगह है ये वाली. सो मैं तो कोई स्विंग नहीं ले रहा हूँ, बट दीक्षा ज़रूर ले रही है. तो अलोहा उबुद में काफ़ी सारी मस्ती करने के बाद, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कराने के बाद और काफ़ी सारी स्विंग्स लेने के बाद हम लोग निकल गए थे सीधा किंतामणि की तरफ. एज वी वर गेटिंग लेट एंड इट वाज अराउंड 2.5 hours अहेड फ्रॉम अलोहा उबुद एंड द वे टू किंतामणि वाज सो ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. बहुत अच्छी, बहुत सुंदर जगह है और हमारे जल्दी निकलने का कारण ये भी था बिकॉज वी हैड अ लंच बुक्ड एट अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट जहाँ से किंतामणि वॉल्केनो दिखता है और वो बहुत ही अच्छा था और जो कि अभी आगे आपको दिख जाएगा. सो नाउ वी आर एट सारी माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट और भाई यहाँ का व्यू देखने वाला है. जो किंतामणि वॉल्केनो है, जो आप लोगों ने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा या कुछ भी, जो भी जिस तरह से भी आपको पता चला होगा, तो वो चीज़ जो देखने वाली है ना, जो आंकड़ों में देखने वाली है, वही बेस्ट चीज़ है. सुन के पढ़ के यू विल नेवर फील दैट फीलिंग. और जिस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ उस रेस्टोरेंट से जो व्यू आ रहा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ. अभी मैं कह रहा हूँ अभी लंच भी बहुत अच्छा है और व्यू तो नेक्स्ट लेवल है. सो दिस इज़ द व्यू एंड ये हमारा लंच है और दिस इज़ द व्यू. ये रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट इज़ ऑसम, द व्यू इज़ ऑसम, द फूड इज़ ऑसम एंड यू आर फीलिंग ऑसम. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग है. ओके दिल्ली, यस. एंड यू कम टू बाली फॉर हनीमून? या फॉर हनीमून. वी वर इन सिंगापुर 2 days बैक एंड यस्टरडे ओनली वी केम. एंड हाउ लॉन्ग विल यू बी इन बाली? वी बी लीविंग ऑन 10th. Here we are at a coffee and tea plantation in Kintamani. So we have tasted a lot of coffees here, coffees and tea both. So total these all are samples in on the table.
and there were seven teas and seven different type of teas and eight different type of coffees. I love three types of coffees the most: the vanilla coffee, the cocoa, Bali coffee and cocoa, and the coconut coffee. So these were the best. So they have tempted me to buy the vanilla coffee. In fact, I was too tempted because the taste was too good. So I just bought a small pack. It is in the poly bag. So I just bought a small pack because जितना इतना बढ़ रहा था जितने इतने ग्राम्स बढ़ रहे थे उतना उतना प्राइस बढ़ रहा था. सो इट इज़ आई गेस द 100 grams एंड इट विल गिव मी 10 cups. सो शी डिडंट लाइक द कॉफ़ी, शी डिडंट इवन टेस्ट इट, बट मुझे बहुत अच्छी लगी. मैंने टेस्ट की एंड आई लव्ड इट. आई लव्ड द वनीला कॉफ़ी. So this was our second day in Bali and we had a great fun. बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे. इतना मैं पहले कभी नहीं थका. सुबह से लेकर शाम तक it was traveling और इस traveling के बीच में बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरे पेट की भी, because eating intervals बहुत ज़्यादा disturb हो जाते हैं traveling के time पे. बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी. I cannot tell you guys. और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ अपने इस vlog के through कि जितना भी आपने बाली में देखा, जो भी देखा, मेरी तरफ से मेरा व्यू यही रहेगा बाली के लिए कि बाली वैसे तो बहुत सुंदर जगह है, बट ऑल ऑफ बाली इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस. मैं कहूँगा जो अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, जो बहुत ही कॉस्टली रिजॉर्ट्स हैं, जो बीचेस पे बने हुए हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल रिजॉर्ट्स जो बने हुए हैं, बस वही अच्छे हैं, वहाँ रहना अच्छा है. और कुछ कुछ जगह जैसे किंतामणि हो गया, और आगे मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो आपको बताऊंगा जो मैंने और एक दो जगह घूमी वो अच्छी जगह है, बट बाकी मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बाली में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा. सो बस यही थोड़ा ठीक ठाक रहा. और बाकी कभी आगे, अभी जब ये सीरीज पूरी एंड हो जाएगी, थोड़ा ब्रेक लग चुका था इस सीरीज में पिछले 3-4 हफ्ते से, ये सीरीज जब पूरी एंड हो जाएगी तब मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा किसी व्लॉग में या फिर एंड ऑफ दिस सीरीज बाली के बारे में. सो दिस वॉज माई व्लॉग फॉर सेकेंड डे ऑफ बाली. सो अब वक्त आया इस ब्लॉग को एंड करने का. सो जो लोग नए हैं, जो लोग ने अभी नया सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, मेरे चैनल को, सो डू एंजॉय माय ब्लॉग. सॉरी कि 3-4 हफ्ते का ब्रेक लग गया था इसमें बीच में और आप लोग मेरा नया ब्लॉग एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, देख नहीं पाए. सो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. और जो लोग नए आए हैं, अभी फर्स्ट टाइम आया मेरे वीडियो देख के वाला, तो डू सब्सक्राइब. आगे अच्छे ब्लॉग्स और आने वाले हैं. अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, 2-3 ब्लॉग्स और बचे हैं इसमें, और उसके बाद मैं आपको ओवरव्यू दूंगा पूरा. एंड देन उसके बाद और कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, अच्छे ब्लॉग्स आएंगे. सो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. सो टिल देन, ईट वेल, स्लीप वेल एंड राइड सेफ माई डियर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. बाय बाय, टेक केयर.